समय पर भुगतान नहीं होने पर जमाकर्ताओं के द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत को लेकर सहारा इंडिया कंपनी के परेशान अभिकर्ताओं ने कांकेर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और जमाकर्ताओं के भुगतान दिलवाने की मांग की। अभिकर्ताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि सहारा इंडिया कंपनी के खातों पर कोर्ट से प्रतिबंध लगे होने के कारण भुगतान नहीं हो रहा है, जिसके चलते परेशान जमाकर्ता अभिकर्ताओं से मारपीट और अपशब्द कहने पर उतारू हैं, जिससे अभिकर्ताओं का घर से निकलना भी दूभर हो गया है। थाने में शिकायत और मारपीट से परेशान होकर सभी कार्यकर्ता मानसिक रूप से परेशान हैं। सम्मानित जमाकर्ता का भुगतान नहीं हो रहा है, एजेंट का कमीशन नहीं मिल रहा है, सम्मानित जमाकर्ता आए दिन एजेंटों के साथ मारपीट गाली गलौज कर रहे हैं, एजेंटों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है और प्रशासन के लेटर देने के बाद भी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रशासन और सहारा इंडिया का तालमेल जो है साठ गांठ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। गाली गलौज आए दिन, क्योंकि फील्ड में हमको रोज शाम को निकलना है कलेक्शन के लिए, एक मेंबर क्या हमको 10-10 मेंबर से दो बातें सुनना पड़ता है। हम मानसिक रूप से शारीरिक रूप से भी काफी तनावग्रस्त रहते हैं। हम यही चाहते हैं कि भाई हम जो मेंबर से कलेक्शन इकट्ठा करते हैं हम उनको समय पे